यूपी चुनाव का नतीजा क्या सामने आया, मानो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों के लिए होली का त्योहार ही बेरंग हो गया। यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी के दफ्तर में जीत का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस और बसपा के कार्यालयों में सन्नाटा ही सन्नाटा है। जहां एक तरफ बीजेपी दफ्तर में खुशी का माहौल है, हर तरफ गुलाल के रंग दिखाई दे रहे हैं, होली का माहौल है, होली का जश्न मनाया जा रहा है, जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और या बीएसपी की बात करें तो वहां के दफ्तर में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त हम कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दफ्तर पर मौजूद हैं, जहां पर इतना सन्नाटा है कि आप देख सकते हैं कि कोई भी शख्स यहां पर मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि कल का जिस तरह का नतीजा रहा है, कांग्रेस को 7 सीटें सिर्फ मिली हैं, हालांकि अलायंस के साथ दोनों लड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 7 सीटों पर जिस तरह से सिमट गई है, उससे पूरी तरीके से लोगों के हौसले पस्त हो गए हैं। कांग्रेस हताशा की मुद्रा में इस वक्त दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस दफ्तर पर पूरी तरह से सन्नाटा है। हालांकि अगर इससे पहले की हम बात करें कि 1951 में जब कांग्रेस को 388 सीटें मिली थी, तो अब जिस तरीके से कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से 365 डिग्री पर घूम गई है। कहाँ कांग्रेस का झंडा लहराया करता था और कांग्रेस की बल्ले बल्ले हुआ करती थी, लेकिन आज यूपी में कांग्रेस का लगभग सफाया होता दिखाई दे रहा है। सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी को 325 सीटें मिली हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का क्या फ्यूचर है, क्या उसका भविष्य है और उसका भविष्य किस तरह नजर आ रहा है, ये आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है। इस समय लखनऊ में कैमरा पर्सन सनोज के साथ में सलीम आजाद, JK 24/7 न्यूज के लिए।